एक और प्लांट बहुत इम्पोर्टेंट जिसके बारे में आपसे शेयर करना चाह रही थी, वो है बसुटी। लोकल नाम इसका बसुटी है और इसका बोटेनिकल नाम है जस्टिया एडिथोडा। फ्रेंड्स, मंडी में एक बहुत ही फेमस कहावत है, जिथी बना बसुटी बरे तिथी मानो की अमरे। मीन्स जहाँ पे हमें बसुटी बने, बाइटिस और एकोरस बरे, ये तीनों मिलते हैं वहाँ पे, हार्डली ऐसा होता है कि लोगों की डेथ ज़्यादा होती है। ये इसलिए क्योंकि ये जो तीनों प्लांट हैं ये बहुत ही रिच है मेडिसिनल वैल्यू में और कई तरह की बीमारियों की रोकथाम में हल होता है कि इनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इतने तेज होते हैं कि इनकी स्मेल और इनका टेस्ट बहुत ही अनप्लेजेंट होता है। तो इसलिए हम इनको एज अ फूड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, फिर भी हम इनको एज अ फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं इन स्मॉल क्वान्टिटी। जैसे कि हम इन फूलों को हम गुलकंद बना सकते हैं या फिर स्मॉल क्वांटिटी में इन फूलों को हम कचरू में परांठा में या फिर खा के रख सकते हैं और इनका पाउडर करके हम एज ए टॉनिक की तरह ले सकते हैं, तो आपको इतना अनप्लेजेंट टेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो बहुत ही पहले बच्चे क्या करते थे, इनको निकाल के इनका नेक्टर सक करते थे एंड टेस्ट अमेजिंग, बहुत ही स्वीट होता है टेस्ट में। पर क्या हो गया कि ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, वो अपनी इनडोर गेम्स में बिजी रहते हैं, तो वो इतना अच्छे से ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। क्योंकि अब जो लोग कर पाते थे जब हम बच्चे थे, तो आप देख सकते हैं कि कितना लग्जरियंटली ये ग्रो कर रहा था। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। आज की डेट में लोग इनको यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, पहले तो लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब यूज़ करना शुरू करें तो इनकी सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करें।